बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक वीडियो के लिए भेजी है जी, मुझे एक परदेसी भाई ने मुझे काफ़ी कमेंट कर रहे थे और मुझे व्हाट्सअप का नंबर पूछ रहे थे। मैं यहाँ पर आपको वीडियो भी अभी दिखाता हूँ, मैं आप देख लें जी। उन खासकर उन भाइयों के लिए जो सऊदी अरेबिया का वीज़ा बिना सोचे समझे तहकीक किए बिना पूछे बस मुझे बाहर जाना है सऊदी अरेबिया का वीज़ा ले लेते हैं, और वो तमाम दोस्तों के लिए भी जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, आप भी कभी खुदा रहा ऐसे मामलात में मस्त फंस जाइएगा। मैं आपको यहाँ पर वीडियो भी दिखा देता हूँ। मैं बंदा बाद पर मुझे एक पाकिस्तानी था जी, मुझे कमेंट कर रहा था, भाई मुझे खुदा रहा अपना व्हाट्सअप नंबर दे दो। तो मैंने शेयर किया उसके साथ, उसने बहरहाल मुझसे जो भी बातें शेयर की और जो भी मामलात रहे, मैं जाहिर सी बात है पर्सनल गुफ्तगू किसी की शेयर नहीं करना चाहता, इसके लिए माजरत ख्वाऊँ, वरना वो मैसेज भी आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करता। अभी बात यह है कि मैं जो शेयर चीज़ आपके साथ करना चाहता हूँ वो वीडियो है जी जो उसने मुझे भेजी। मैं ताश में थे, हम हमारा एक साथ रहने वाला अच्छे खासी सलाम दुआ वाला बंदा हमारे इलाके का ही वफात पा गया अचानक से। मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैंने बोला ये चीज़ ये भी नहीं देती आदमी को यार। और दूसरी बात, मक्का में थे हम, मक्का में साथ वाली बिल्डिंग में एक बंदा वफात पा गया, मैंने बोला वो बेचारे अपना रोना रो रखे और मैं कैमरा लेकर पहुंचूं वहां पर अपनी वीडियो बनाने, मैंने बोला ये बातें अच्छी नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर, मैं ऐसी वीडियो लगाने से गुरेज करूंगा। बहरहाल अभी आप यकीन करें, मैं वीडियो देखने के बाद उस बंदे की बातें सुनने के बाद मैं आपके साथ वीडियो शेयर सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि खुदा रहा ऐसे काम से बाहर रहें, खुदा रहा सऊदी अरेबिया का वीज़ा लेने से पहले अच्छे से मालूमात हासिल कर लें उस वीज़े के मुतल्लिक फिर जाएं, वरना वो बंदा जैसे मेरे सामने रोया है ना, मैं आपको मैसेज अगर सुना दूं तो आप यकीन करें आप भी दुख से निहाल हो जाएंगे। ये आपको साथ में मैं अभी ये वीडियो दिखा रखा हूँ, आप वीडियो देख लें, ये उसी की तरफ से मुझे भेजी गई है, आप वीडियो देख लें यार। मैं क्या फिर आपके साथ एक दो बातें और शेयर करता हूँ जो उसकी तरफ से मुझे बताई गई। तो वीडियो आप देख लिया जी, ये वीडियो है जी उस बंदे की तरफ से भेजी गई और मुझे कहा गया कि भाई ये एक लड़का वफात पा चुका है हमारे इस काम के सिलसिले में। काम काफ़ी हार्ड था, यानी कि स्टील का काम था, लोहे का काम था, इतनी गर्मी थी, वो बोलता है। आप यकीन करें उस बंदे ने मुझे कुछ ऐसी पिक्चर भी भेजी हैं कि मैं आपको यहाँ पर कुछ यूट्यूब की पॉलिसीज होती हैं मैं दिखा नहीं सकता। मिसाल के बंदों को भाई फट लगे हुए हैं, ब्लड निकला जा रहा है, बुरे हालात हैं, और मैं खुद से हैरान था उसकी बातें सुनने के बाद, ऐसा जुल्म अभी भी क्या होता है। तो बहरहाल बात वही है जी, वीडियो ख़त्म करते हैं इस चीज़ के ऊपर ही कि खुदारा वीज़ा लेने से पहले अच्छे से पूछ लें, या कहीं आप वहाँ पर नकल कफाला करवाना चाहते हैं तो फिर भी अच्छे से तहकीक कर लें, उसके बाद ही किसी काम में जाए।